लिसन वेरी केयरफुली, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है। यहाँ से आप थ्योरिटिकल बेस पे ज्यादा मान सकते हो, सेक्शन 44AA कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो सबको मेंटेन करनी होगी, बट कुछ कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशन है या कुछ बिजनेसेस के अंदर गवर्नमेंट मैंडेटरी करती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए आपको मैंडेट मतलब कंपल्सरी बोलती है कि आपको ये बुक्स कंपल्सरीली मेंटेन करनी है। ठीक है, तो किस किस को सारी बुक्स मेंटेन करनी है और किस किस को बेसिक बुक्स मेंटेन करनी है? देखो बुक्स तो सबको मेंटेन करनी पड़ेगी, जस्ट बिकॉज आप अपना प्रॉफिट या लॉस भी कैसे निकालोगे? आप चाहे सेल बुक और परचेज बुक ही मेंटेन कर लो, पर वो तो मेंटेन तो करनी पड़ेगी ना टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट। आप सैलरी रजिस्टर मेंटेन मत करो, कुछ मत करो, सेल परचेज का रजिस्टर तो मेंटेन करोगे। तो वो हो गई बेसिक बुक्स। स्पेसिफाइड बुक्स क्या हो गई? स्पेसिफाइड बुक्स होती है जर्नल भी मेंटेन करो, बिल्स भी मेंटेन करो, सेल्स परचेज एक्सपेंसेस का रजिस्टर सब कुछ मेंटेन करना, वो हो गई स्पेसिफाइड बुक्स। तो मोस्ट टाइम पे सेक्शन है और मेरे हिसाब से जे ए के अंदर आपके जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम के अंदर अगर देखा जाए, अभी जो नियर बाई में है, क्योंकि प्रोफेशनल के अंदर तो ये बेस्ट है। प्रोफेशनल के अंदर तो अगर आप उठा के देखोगे तो यहाँ से लेके लास्ट तक जो सेक्शन हैं उसमें से कम 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। बट जे ए की बात करूँ तो साइंटिफिक रिसर्च के अलावा अगर मुझे कोई एमपी टॉपिक लगता तो ये लगता है। ठीक है, तो देखो पॉइंट क्या है, कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करा है, पार्ट ए स्पेसिफाइड या नोटिफाइड प्रोफेशन, स्पेसिफाइड या नोटिफाइड प्रोफेशंस। तो स्पेसिफाइड या नोटिफाइड प्रोफेशन क्या क्या है? तो एक तो मेडिकल मतलब डॉक्टर्स वगैरह ये सब हो गए, लीगल मतलब लॉयर्स वगैरह ये आ गए, अकाउंटेंसी। ठीक है, अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या आ गए? चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएमए जो प्रोफेशनल्स होते वो आ गए, फिल्म आर्टिस्ट, इंजीनियरिंग, टेक्निकल कंसल्टेंसी, आर्किटेक्चुरल, इंटीरियर डेकोरेटर, कंपनी सेक्रेटरी एंड एनी अदर प्रोफेशन विच मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलो इसको छोड़ देते हैं। तो मेनली यहाँ पे 9 कैटेगरी बना रखी है, मेडिकल मतलब डॉक्टर नर्सेज वगैरह ये सब आ गए। ठीक है, कंपाउंड इनकी आज गए है ना, मेनली डॉक्टर ही होता है। लीगल के अंदर लॉयर वगैरह ये सब आ गए, अकाउंटेंसी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह ये सब आ गए, फिल्म आर्टिस्ट, इंजीनियर्स, टेक्निकल कंसल्टेंसी में जो भी टेक्निकल कंसल्टेंट होते हैं हमारे वो सब आ गए, आर्किटेक्ट्स आ गए, इंटीरियर डेकोरेटर आ गए, कंपनी सेक्रेटरी आ गए। कंपनी सेक्रेटरी को अलग से मेंशन किया है यहाँ पे। ओके, तो अब पहला सेक्शन पहला पार्ट बनाया स्पेसिफाइड प्रोफेशन का। तो इसके अलावा जितने भी प्रोफेशन है, फॉर एग्जाम्पल ट्यूटर नॉन स्पेसिफाइड है। ठीक है, फिर अदर कोई भी चीज ले लो, प्लेयर्स नॉन स्पेसिफाइड है। चलो तो यहां पे क्या है, इन केस ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशन। अब देखो सुनना ना, क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है कि कब बुक्स मेंटेन करनी है और कब बुक्स मेंटेन नहीं करनी है। क्वेश्चन क्या आ रहा है, कब कब आपको बुक्स मेंटेन करनी है और कब कब आपको बुक्स मेंटेन नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन है तो अगर ग्रॉस रिसिप्ट मोर देन 1 लाख
50,000 है. चलो तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है और ग्रॉस रिसिप्ट मोर देन 50,000 है इन ऑल, या वर्ड ध्यान रखना, इन ऑल थ्री प्रिसीडिंग द प्रीवियस ईयर. ठीक है, अगर पिछले 3 साल में हर साल 1.5 लाख से ऊपर की आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, पिछले 3 साल में हर साल अगर 1.5 लाख रुपए से ऊपर की आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, या लाइकली टू एक्सीड इफ द प्रोफेशन इज न्यूली सेटअप. और देखो, अगर रनिंग प्रोफेशन है तो रनिंग प्रोफेशन में तो आपको क्या चेक करना है, केवल और केवल ये कि लास्ट 3 इयर्स ईच ईयर. ये बताओ, देखो ऐशा, लास्ट 3 ईयर ईच ईयर ग्रॉस रिसिप्ट is greater than equal, sorry, greater than equal to nahi, should be greater than 1,50,000, then he has to maintain the books. Ek example samjhaun, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, and 21, sorry. देखो यहां ग्रॉस रिसिप्ट थी 2 लाख, यहां है 1 लाख, यहां है 3 लाख. तो देखो 18-19 के अंदर बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी क्या? तो पिछले देखो इस साल की 1,50,000 ज्यादा है एक साल, लेकिन यहां देखो 1,50,000 से कम हो गई, 1,50,000 से कम है ना यहाँ पे. तो इस ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 1, 2 और 3 तीनों साल में 1.5 लाख से ज्यादा है क्या? नहीं है. तो नो नीड. चलो आगे देखते हैं. इस ईयर में ग्रॉस रिसिप्ट जो है ना वो है 2 लाख की. तो अब चेक करते हैं 1920 के पॉइंट ऑफ व्यू से. सॉरी, तो 1920 में देखो 18-19 में कितनी है? 2 लाख. 17-18 में कितनी है? 3 लाख. 1.5 लाख, 1.5 लाख से ज़्यादा है. पर 16-17 में देखो 1.5 लाख से कम है. हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए ना. तो 3 साल तक हर साल, लास्ट 3 इयर्स ईच ईयर ग्रॉस रिसिप्ट शुड बी ग्रेटर देन 1,50,000. तो 2 साल तक तो है, तीसरे साल में नहीं है, देन यहाँ पे भी क्या है? नो नीड. यहाँ पे ग्रॉस रिसिप्ट है वापस से 3 लाख. तो अब अगर यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो देखो 2021 के हिसाब से 1920 में 1,50,000 ज़्यादा है, 18-19 में 150 से ज्यादा है, और 17-18 में भी 1,50,000 से ज्यादा है. तो पिछले तीनों साल में 1,50,000 ज्यादा है. तो आया समझ में? तो ये तो बात हुई रनिंग प्रोफेशन की. अब अगर रनिंग प्रोफेशन नहीं हो न्यू
स्टार्टअप हो, मतलब इस साल स्टार्ट करा फिर भाई पुराना होता तो बात खत्म हो जाती, नया स्टार्टअप है तो क्या करे। तो यहां पे ये देखेंगे इफ ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द ईयर लाइकली टू गो अप बाय रुपीज 1 लाख, मतलब जो स्टार्टअप वाला ईयर है ना, जो स्टार्टअप वाला ईयर अगर उसमें आपको लग रहा है कि 1.5 लाख से ज्यादा की ग्रॉस रिसिप्ट हो जाएगी, या वर्ड है लाइकली टू गो, मतलब आपको अगर लग रहा है कि इस साल जो आपने स्टार्टअप करा, फॉर एग्जांपल 2021 में स्टार्टअप करा और आपको लग रहा है कि ग्रॉस रिसिप्ट आराम से 2 लाख तो हो जाएगी, तो आपको बुक्स मेंटेन करनी है, और आपको नहीं लग रहा है तो बुक्स मेंटेन नहीं करनी है। समझ में आया क्या, यस और नो? चलिए जी, तो ये चीज़ें लिखी हुई थी, मैंने ये चीज़ समझाई आप लोगों को। तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन कौन कौन से होते हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन कौन कौन से होते हैं, मेडिकल, लीगल, अकाउंटेंसी, फिल्म आर्टिस्ट, इंजीनियरिंग, टेक्निकल, कंपनी सेक्रेटरी, इंटीरियर डेकोरेटर और आर्किटेक्ट। ठीक है, ये सब कौन है, ये सब कौन है, ये सारे लोग हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशन के अंदर। ठीक है, इसको आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, सी आई एम फालतू जगह फालती, आई एम सी, आई एम फालती, सी कंपनी सेक्रेटरी, आई अच्छा आई तो यहाँ हो जाएगा ना, सी आई एम फालतू कर सकते हो। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 किसका बाकी रहता है, आई एम फाल्टे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी कंपनी सेक्रेटरी, आई इंटीरियर डिजाइनर या डेकोरेटर, एम मेडिकल, एफ फिल्म आर्टिस्ट, ए अकाउंटेंसी, ए आर्किटेक्ट, एल लीगल, टी टेक्निकल और ई इंजीनियर, आई एम फाल्टे। ठीक है, सी आई एम फाल्टे। ओके, तो अब बुक्स कौन कौन सी मेंटेन करनी पड़ेगी, स्पेसिफाइड बुक्स एज पर रूल 6F। स्पेसिफाइड बुक्स एज पर 6F, तो आपको कैश बुक भी मेंटेन करनी है,
जर्नल भी मेंटेन करनी है, लेजर्स भी मेंटेन करनी है, प्लस कार्बन कॉपीज ऑफ बिल एक्सीडिंग ₹25। जो बिल ₹25 से ज़्यादा होंगे उनकी सबकी कार्बन कॉपी एंड ओरिजिनल बिल फॉर एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग ₹50। और अगर ₹50 से ऊपर का बिल है तो उसकी ओरिजिनल कॉपी, मतलब 25 से 50 का बिल है तो कार्बन कॉपी, और 50 से भी ज़्यादा का बिल है ठीक है तो किस क्या हो जाएगी आपके ओरिजिनल बिल चाहिए होगा ठीक है। और अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर है ठीक है तो डेली केस रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा, मेडिकल इन्वेंटरी रजिस्टर भी मेंटेन करना होगा। आई बात समझ में? तो क्या है, कौन कौन सी? कैश बुक, जर्नल, लेजर्स, कार्बन कॉपीज ऑफ बिल एक्सीडिंग 25 एंड ओरिजिनल बिल ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग ₹50। और अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो डेली केस रजिस्टर और इन्वेंटरी रजिस्टर ये मेंटेन करने होंगे। ओके, देन पार्ट बी, अदर बिजनेसेस। अब अदर बिजनेसेस हैं, अदर बिजनेसेस, तो अदर बिजनेसेस में क्या सीन रहेगा, इन केस ऑफ अदर एसएससी इफ पीजीबीपी इज मोर देन प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन इज मोर देन ₹120,000 और टोटल सेल्स और ग्रॉस रिसिप्ट इज मोर देन 10 लाख इन एनी ऑफ द थ्री प्रिसीडिंग ईयर्स इन एनी, वहां पे क्या था ऑल, यहां पे वर्ड क्या था ऑल थ्री ईयर्स, मतलब हर साल 1.5 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए थी। और यहां पे क्या है एनी ऑफ द थ्री प्रिसीडिंग ईयर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर और लाइकली टू एक्सीडिंग इन केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस और प्रोफेशन, देन एसएससी इज टू रिक्वायर्ड मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम विच असेसिंग ऑफिसर इज एबल टू कंप्लीट द असेसमेंट, अदरवाइज द एसएससी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स। देखो वापिस सुनना, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में कंडीशन क्या क्या थी, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में 1,50,000 से प्लस होना चाहिए इन ऑल, मतलब हर साल, और बुक्स भी कौन सी मेंटेन करनी है, बुक्स एज पर 6F, उसको 6F वाली बुक्स मेंटेन करनी है। मैं एमसीक्यू पैटर्न के हिसाब से बोल रहा हूँ, स्पेसिफाइड प्रोफेशन के लिए पिछले तीनों साल में ईच ईयर, मतलब ऑल द थ्री ईयर्स चेक करने हैं, और बुक्स भी कौन सी मेंटेन करनी है एज पर रूल 6F, वहीं पे अदर एसएससीज को अगर प्रॉफिट या गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अगर 1,20,000 से ज्यादा हो, टोटल सेल्स और ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख से ज्यादा हो इन एनी, मतलब पिछले 3 साल में अगर किसी भी साल 10 लाख से ऊपर की आपकी ग्रॉस रिसिप्ट या सेल्स है ठीक है, प्रोफेशन में ग्रॉस रिसिप्ट 1,20,000 और अगर बिजनेस है तो टर्नओवर 10 लाख, ऐसा कुछ पॉइंट है ना, आई बात समझ में? ओके, तो इन दैट केस, सॉरी मैं गलत बोल गया, सॉरी, ये बिजनेस की बात हो रही है, अगर प्रॉफिट या आप बोल सकते हो इनकम ऑफ बीएनपी 1,20,000 से ज्यादा है या फिर टोटल सेल या ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख रुपए से ज्यादा है इन एनी ऑफ द थ्री प्रीसीडिंग ईयर, मतलब अगर पिछले 3 साल में कभी भी आपकी सेल्स 10 लाख से ज्यादा हो गई या आपके प्रॉफिट 1,20,000 रुपए से ज्यादा हो गए, दो ऑप्शन है, या तो सेल्स आपके एक
दस लाख से ज्यादा है या प्रॉफिट 1,20,000 से ज्यादा है तो आपको आपको बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। बुक्स मेंटेन कौन सी करनी पड़ेगी, स्पेसिफाइड में कौन सी थी, रूल 6F वाली। और यहाँ पे बुक्स कौन सी मेंटेन करनी है, एसएससी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एनी बुक ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच असेसिंग ऑफिसर इज एबल टू कंप्लीट द असेसमेंट। उसको सारी बुक्स मेंटेन नहीं करनी है, उसको केवल वही बुक्स मेंटेन करनी है जिससे असेसिंग ऑफिसर असेसमेंट कर सके, दैट्स इट। उसको केवल वही बुक्स मेंटेन करनी है जिससे असेसिंग ऑफिसर उस असेसमेंट को कंप्लीट कर सके। एक एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं ना। अदर बिजनेस है, यहां पे दो चीज ले रहे हैं, टर्नओवर और प्रॉफिट अगेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो 1,516 टर्नओवर है, 8,00,000 प्रॉफिट है 1,00,000 के, फिर 16-17 में 6,50,000, 17-18 में 9,00,000 और 1,00,000। तो अब 18-19 में देखो बुक्स मेंटेन करनी होगी क्या, अगर मैं पिछले तीन साल में से यहां से चेक करते हैं, तो देखो 17-18 में ना तो टर्नओवर 10,00,000 से ज्यादा है ना प्रॉफिट, 16-17 में सेम है, यहां भी तीनों साल में एक साल में भी ऐसा नहीं हुआ, तो नो नीड टू मेंटेन बुक्स। और चलो यहां की अमाउंट ले लेते हैं, यहां पे टर्नओवर है 9,00,000 का, बट इस बार यह टर्नओवर है 9,50,000 का, बट जो प्रॉफिट है वो 1,50,000 है। तो 1920 के अंदर बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी क्या, तो 1920 अकॉर्डिंग देखो, तो 1819 में जो टर्नओवर है वो तो 9,50,000 है, पर जो प्रॉफिट या गेन है वो 1,50,000, 1,20,000 से ज्यादा हो गए। ये 1,20,000 ज्यादा होने से क्या हुआ, इसको मेंटेन करनी पड़ेगी। ओके, फिर जैसे यहां मैं बोल दूं कि यहां पे टर्नओवर है 12,00,000 और प्रॉफिट है 1,00,000 का, तो 2021 के अंदर बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली मेंटेन करनी पड़ेगी, क्यों, पिछले तीन साल में कभी भी हो, तो यहां पे ये 12,00,000 हो गया, तो यहां पे बुक्स मेंटेन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी। चलो यहाँ टर्नओवर 10,00,000 का है, प्रॉफिट 1,00,000 का है, या चलो ये मान लेते हैं टर्नओवर 9,00,000 का 1,00,000 का, 21-22 में पिछले तीन साल चेक करेंगे, एक साल नहीं है, चलो 10,00,000 से 1,00,000 1,20,000 से कम है, यहाँ 12,00,000 से ज्यादा ना, एनी ईयर होना चाहिए, तो यहाँ पे एनी ईयर के हिसाब से यहाँ पे 1,20,000 12,00,000 है, 10,00,000 से ज्यादा है, तो यहाँ भी मेंटेन करनी पड़ेगी, यहाँ 8,00,000 और 80,000 रख देता हूँ मैं। ठीक है, तो 22-23 के अंदर बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी क्या, तो
एक, दो और तीन, तीन साल में कभी भी 10 लाख से ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए या 1,20,000 से ऊपर का प्रॉफिट, तो यहां भी मेंटेन करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, अब मैं यहां बोलता हूं यहां पे टर्नओवर है 7 लाख और प्रॉफिट है 60,000, तो 23-24 में बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी क्या? तो यहां से देखो तो एक, दो और तीन, टर्नओवर भी 10 लाख से कम है तीनों साल में, प्रॉफिट भी 1,20,000 से कम है, तो नहीं करनी पड़ेगी। आया टॉपिक अच्छे से समझ में? ठीक है, बस ये ध्यान रखना, ये जो लिमिट है ना, लिमिट इन केस ऑफ इंडिविजुअल वो किसके लिए थी, ये जो थी लिमिट वो थी फर्म के लिए, लिमिट किसके लिए है, फर्म के लिए। बट अगर इंडिविजुअल HUF है तो लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट 1,20,000 की हो जाएगी 2.5 लाख और 10 लाख की जगह क्या हो जाएगी 25 लाख। ओके, और अगर कोई SSC मोस्ट IMP पॉइंट, अगर कोई SSC बुक्स मेंटेन नहीं कर पाता है देन उस पर पेनल्टी लगेगी टोटल कितने रुपए की, 25,000। लर्न कर लेना इसको अच्छे से, अगर 44A के अकॉर्डिंग अगर बुक्स मेंटेन नहीं कर पाता है देन ही हैज टू ही विल बी इम्पोज्ड बाय अ पेनल्टी ऑफ ₹25,000। ओके, डन फॉर टुडे, चलिए गुड बाय।